एक बार वृंदावन की पवित्र भूमि पर एक साधारण सी दिखने वाली महिला ने अपनी असाधारण भक्ति से एक अद्भुत चमत्कार का निर्माण किया। ये कहानी है उस महिला की जिसका हृदय भगवान के प्रेम से इतना भरा हुआ था कि उसने अनजाने में ही लड्डू गोपाल को अपने घर की चौखट तक खींच लाया। आइए जानते हैं कि कैसे उस महिला की अटूट आस्था ने उसे और उसके आराध्य लड्डू गोपाल को एक अनोखे बंधन में बांधा। एक महिला थी जो लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोज सुबह उठकर कान्हा जी को नहलाती, उनके कपड़े बदलती और चंदन का तिलक लगाती। वह उन्हें फल, मिश्री या लड्डू जो भी उसके पास होता उससे भोग लगाती। लल्ला को भोग लगाने के बाद ही वह खुद खाना खाती। फिर शाम को भी वह उनकी आरती करती और भोग लगाती। पूरे दिन उसके मन में हमेशा कान्हा का नाम रहता। एक पल भी ऐसा नहीं होता जब वह अपने कान्हा को याद नहीं करती। एक दिन सुबह से उस महिला को बहुत जोर की हिचकी आ रही थी और वह रुक नहीं रही थी, जिससे वह परेशान हो गई थी। तभी उसकी बेटी उससे मिलने आई और उसके आते ही हिचकी बंद हो गई। अम्मा, आप कैसी हैं? बेटा, सब ठीक है। लड्डू गोपाल की कृपा से सब अच्छा है, लेकिन आज सुबह से मुझे बहुत तेज हिचकी आ रही थी। अब तुम आई हो तो रुक गई है। माँ, तुम्हारी हिचकी मेरी वजह से थी। मैं सुबह से तुम्हें बहुत याद कर रही थी, इसीलिए जैसे ही मैं यहाँ पहुँची तुम्हारी हिचकी बंद हो गई। क्या वाकई में ऐसा होता है? हाँ माँ, ये सच है। जब कोई किसी को दिल से याद करता है तो कभी कभी उसे हिचकी आ जाती है। अरे, मैं तो हर पल हर क्षण अपने गोपाल को याद करती रहती हूँ। मेरी इस गलती से मेरे प्यारे लड्डू गोपाल को कितनी हिचकी आ रही होगी। माफ करना मेरे लल्ला, मेरी वजह से तुम्हें कितना कष्ट हुआ होगा। मेरा छोटा लल्ला हिचकी से परेशान हो गया होगा। वह महिला भगवान से अपनी गलती के लिए बार बार माफी मांगने लगी। हे भगवान, मुझसे बिना जाने इतनी बड़ी गलती हो गई। उसने मन में ठान लिया कि अब वह कभी लड्डू गोपाल को याद नहीं करेगी। इससे भगवान भी परेशान हो गए। कई दिन बीत गए पर वह अब लड्डू गोपाल को मन से याद नहीं करती थी। इसके बाद वह हमेशा दुखी और बीमार रहने लगी। एक दिन उसके सपने में बांके बिहारी जी आए। मैया, तुमने मुझे याद करना क्यों छोड़ दिया? तुमने मुझे याद करना बंद किया तो मैं खुद तुमसे मिलने आ गया। तुम्हारा प्यार मुझे तुम्हारे पास खींच लाया है। मैया, उठो और जैसे मेरी सेवा करती थी, जैसे हर पल मुझे याद करती थी, फिर से वैसे ही मुझे याद करो। मैया, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जैसे ही उसने ये शब्द सुने, वह औरत तुरंत अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि बांके बिहारी जी उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखकर वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ती है और रोते हुए कहती है, मेरे प्रभु, आप मेरे जैसी गरीब के घर आए, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन मेरे दिल को यह सोचकर बहुत दुख होता है कि मेरी वजह से आपको यहाँ तक आने में कष्ट उठाना पड़ा। मेरी भक्ति और प्रेम में कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं वचन देती हूँ। अब मैं कभी भी ऐसी भूल नहीं करूँगी। इसके बाद वह फिर से रोजाना भगवान की सेवा पूजा करने लगी, जैसे वह पहले करती थी। इस प्रकार उस भक्तिमयी महिला की निष्ठा और प्रेम ने भगवान को उसके द्वार पर खींच लाया। उसकी अटूट आस्था और प्रेम ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और प्रेम की शक्ति अपार होती है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं, उनकी हर पुकार सुनते हैं और उनके प्रेम में बंधे रहते हैं। इस घटना ने न केवल उस महिला के जीवन को बदल दिया, बल्कि यह भी दर्शाया कि भक्ति का मार्ग हमें आध्यात्मिक आनंद और शांति की ओर ले जाता है।